और वही बलौदाबाजार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर से पीएम मोदी ने भी चर्चा की है। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा, कलेक्टर इस लड़ाई में सबसे बड़े योद्धा है। पीएम ने बलौदाबाजार में कोरोना के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों की तारीफ की है। और वही कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने कोरोना से लेकर किए गए कार्यों की जानकारी पीएम मोदी को दी है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं बलौदाबाजार जिले से, जहां बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर से पीएम मोदी ने भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा, कलेक्टर इस लड़ाई में सबसे बड़े योद्धा है। पीएम ने बलौदाबाजार में कोरोना के रोकथाम के लिए किए गए जिला प्रशासन के प्रयासों की तारीफ की है। आपको बता दें कि कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने कोरोना से लेकर किए गए कार्यों की जानकारी पीएम मोदी को दी है। तो ये बड़ी खबर बलौदाबाजार से। कोरोना की सेकंड वेव से लड़ने के लिए एक प्रकार से जिलों के आप सबसे प्रमुख योद्धा है। 100 वर्षों में आई इस सबसे बड़ी आपदा में हमारे पास जो संसाधन है उनका बेहतर से बेहतर उपयोग करके आपने इतनी बड़ी लहर का मुकाबला किया है। साथियों, आपसे बातचीत की शुरुआत में मैं आपको वो दिन याद दिलाना चाहता हूं जब आप इस सेवा में आने के लिए तैयारी कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी की मुख्य जो चिंता थी वो यही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है इसे हमको रोकना है, और इसके लिए उन्होंने जन सहयोग के माध्यम से कोरोना संक्रमण को रोकथाम करने के निर्देश दिए हैं। और स्थानीय स्तर पर नए नए तौर तरीके अपना करके कोरोना के संक्रमण को कैसे प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है इसके लिए कलेक्टर्स को अपने स्तर पर निर्णय लेने का उन्होंने कहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया है और वैक्सीनेशन बढ़ाने पर भी जोर दिया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम जिले में टेस्टिंग बढ़ाने के लिए और वैक्सीनेशन करने के लिए लगातार समाज के सभी प्रमुखों की बैठक हम लिए हैं। उसके अलावा हमारे जितने भी जिलाधिकारी हैं सबकी मैंने ग्राम वार्ड ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा गांव के जितने भी लोग हैं उन सबके